नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति। आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे यहाँ यूजीसी नेट पेपर वन एंड पेपर टू साइकोलॉजी की प्रिपेरेशन कराई जा रही है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारा लॉजिक का है। ओके, तो जो लॉजिकल रीजनिंग में हम देख रहे थे, हमने देखा था प्रमाण के बारे में, हमने आपको बताया था, फिर हमने अनुमान के बारे में बताया था, व्याप्ति के बारे में भी अगले वीडियो में मैंने आपको बताया था, और अब हम देखने वाले हैं हेतुवाभास के बारे में। तो अब सभी को पता होगा कि हेतुवाभास में से एक विषण तो आता ही आता है। ओके, तो चलिए आज हम देखने वाले हैं कि हेतुवाभास के जो टाइप्स हैं उसके रिलेटेड जो भी एग्जांपल दिए जाते हैं एग्जाम में, उन सभी के बारे में आज चर्चा करेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस चैनल पर जो भी नोटिफिकेशन या फिर वीडियोस डाले जाते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। चलिए दोस्तों, चलते हैं टॉपिक की ओर। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं कि हेतुवाभास का मतलब क्या होता है, यानी कि हेतुवाभास किसे कहते हैं। तो हेतुवाभास में अगर आप इसके संधि विच्छेद करेंगे तो आपको पता चलेगा वहाँ पर दो शब्द मिलेंगे आपको, हेतु और आभास, आपको दो शब्द दिखाई देंगे। ओके, चलिए ओके, तो यहां पर आपको दो शब्द दिखाई देंगे, हेतु धन आभास। अब देखिए, हेतु का मतलब क्या होगा, हेतु ही होगा। ओके, कारण होगा। हेतु को क्या बोलेंगे हम, कारण बोलेंगे। जो निष्कर्ष में जो कारण रहता है ना, जो कारण जो होता है उसमें से जो निष्कर्ष निकलता है ना, तो उसी को हम हेतु बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जहाँ पर हेतु का क्या होता है, आभास होता है, यानी कि हेतु वास्तविक रूप में वहाँ पर नहीं होता है लेकिन उसका आभास होता है। कभी कभी हमें लगता है ना कि हम अकेले खड़े होते हैं या फिर बैठे हुए होते तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे आसपास कोई है ना, तो वो क्या हुआ, वो एक आभास होता है। जैसे कि मान लीजिए कि जो मरुस्थल होता है, तो वहाँ पर मरुस्थल में क्या होता है, रेत होती है ना, तो वहाँ पर क्या होता है कि हमें थोड़ी सी पानी की झिल्ली दिखाई देती है ना, तो जो पानी की जो झिल्ली हमें दिखाई देती है, वास्तव में वहाँ पर पानी नहीं होता है, वहाँ पर जल नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमें ऐसा आभास होता है कि वहाँ पर पानी होगा। तो यही क्या होता है, हमारा हेतुवाभास होता है, यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि हमें हेतु का आभास होता है, वास्तव में वो हेतु वहाँ पर होता नहीं है। वास्तविक हेतु की जगह अवास्तविक हेतु का दिखाई देना, यानी कि मान लीजिए कि वास्तविक हेतु हमारा पानी था लेकिन ओके, तो देखिए यहाँ पर जो पानी है वो हमें दिखाई दे रहा है लेकिन वास्तव में वो वास्तविक हेतु वहाँ पर है नहीं, यानी कि वहाँ पर कोई पानी नहीं था। ओके, तो इसका मतलब ही होता है हेतुवाभास। हेतु से संबंधित कमियाँ, यानी कि हेतु से संबंधित कमियाँ। मैंने आपको कल अनुमान के बारे में जब बताया था तो मैंने आपको बताया था कि अनुमान में जो हेतु आता है ना, तो हेतु क्या बताता है कि मान लीजिए मैंने ये बताया कि पर्वत पर आग है, तो पर्वत पर आग है वो मैंने क्यों बताया, क्योंकि मैंने वहाँ पर क्या देखा, वहाँ पर धुआँ देखा, तो मैंने जिसे देखा जिसके कारण मैंने ये अनुमान लगाया कि पर्वत पर आग होगी, तो वही कारण जो है वो हमारा क्या होता है, हेतु होता है। और उसी हेतु के संबंधित जो कमियां आती हैं हमारे तर्क वाक्य में, जो हमारे तर्क वाक्य में हेतु से संबंधित जो कमियां आती हैं उसी को हम कहते हैं हेतुवाभास। ओके, चलिए, अनुमान की प्रक्रिया हेतु पर आधारित होती है, वो तो मैंने आपको बताया। अनुमान में तीन बातें जरूरी है, मैंने कल आपको जो अनुमान का वीडियोस बनाया था वहाँ पर मैंने अनुमान में आपको बताया था कि वहाँ पर आपको कुछ शब्द दिखने को मिलेंगे। मैंने आपको शब्दावलियाँ वहाँ पर बताई हुई थी, एक बताया था पक्ष, दूसरा बताया था आपको साध्य, तीसरा बताया था हेतु, और चौथा मैंने बताया था मध्यम पद। ओके, तो ये चार बातें मैंने आपको बताई थी वहाँ पर। मैंने पक्ष को कहाँ पर रखा था, उद्देश्य के स्थान पर, जबकि साध्य को कहाँ पर रखा था, विधेय के स्थान पर। ओके, और ये हेतु हमारा है वो कहाँ पर होगा, हमारा निष्कर्ष में होगा, वो कारण दर्शाता है कि इसी के कारण हमने ये अनुमान लगाया है, इसी को हम हेतु कहते हैं।
अब मध्य पद क्या होगा? तो दोनों तर्क वाक्यों में जो समान रूप से जो सप्तम मिलते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? मध्य पद कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए सभी मनुष्य मरणशील हैं, फिर मैंने दूसरा तर्क वाक्य बनाया राम एक मनुष्य है, ओके। और फिर तीसरा मैंने एक वाक्य बना दिया, यानी कि दो वाक्यों पर से मैंने एक निष्कर्ष निकाला। क्या निकाला? कि राम एक मरणशील मरणशील है, ओके। सबसे पहले मैंने क्या बताया? सभी मनुष्य मरणशील है। दूसरा तर्क वाक्य मैंने क्या बताया? राम मनुष्य है। और तीसरा मैंने निष्कर्ष क्या निकाला? अतः राम मरणशील है। तो यहाँ पर देखिए ऊपर के जो तर्क वाक्य दो तर्क वाक्य थे वहाँ पर हमें मनुष्य शब्द जो है वो दो बार दिखने को मिलते हैं, यानी कि सभी मनुष्य मरणशील है, राम मनुष्य है। तो मनुष्य मनुष्य कॉमन हो गए ना दोनों तर्क वाक्य में, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा मध्य पद हो जाएगा, ओके। तो ये बातें मैंने आपको अनुमान में बताई हुई थी। अब देखिए अनुमान में तीन बातें इम्पोर्टेंट्स होती है। एक तो होती है हमारा पक्ष यानी कि उद्देश्य पद, दूसरा हमारा साध्य जिसे हम कहते हैं विधेय, और तीसरा होता है हमारा हेतु, ओके। तो चलिए आगे देखते हैं। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, पर्वत पर आग है क्योंकि वहाँ धुआं है, ओके। यहाँ पर क्या एक वाक्य तर्क वाक्य क्या है? पहला है पर्वत पर आग है, ये हमने अनुमान लगाया। पर्वत पर आग है ये क्या बताया? हमने अनुमान लगाया क्योंकि वहाँ क्या है? धुआं है। तो देखिए यहाँ पर जो पर्वत है, पर्वत यानी कि जो पक्षी होता है ना वो आश्रय होता है। पक्ष क्या होता है? आश्रय होता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने ये पर्वत बना लिए, ओके, ये पर्वत बना लिए। अब देखिए यहाँ से कुछ धुआं सा निकल रहा है, यहाँ से क्या निकल रहा है? धुआं सा निकल रहा है, ओके। तो यहाँ पर ये धुआं निकल रहा है और इसी के कारण यहाँ पर आग तो हमें दिखाई नहीं दे रही, आग हमें दिखाई नहीं दे रही, लेकिन ये धुआं हमें दिखाई दे रहा है। तो ये जो पर्वत के ऊपर, ओके, तो देखिए पर्वत जो है वो हमारा क्या है? पक्षपद है, यानी कि आश्रय है। किसके ऊपर आग है? तो पर्वत पर आग है, यानी कि पर्वत क्या हो गया? आश्रय हो गया, ओके। तो जो आश्रय है, जो आश्रय होगा वो क्या हो जाएगा? हमारा पक्ष हो जाएगा, यानी कि पर्वत हमारा हो गया पक्ष हो गया, ओके। अब देखिए आग किसके ऊपर है? तो पर्वत के ऊपर है ना। तो आग हमारी क्या हो गई? साध्य हो गई। क्या हो गई? साध्य, यानी कि विधेय पद हो गया। अब देखिए विधेय हो गया, साध्य है, ओके। चलिए अब क्या है? धुआं, क्योंकि वहाँ पर क्या है? धुआं है। तो धुआं हमारा क्या हो गया दोस्तों? धुआं हमारा हो गया साधन। क्या हो गया? साधन, यानी कि हमारा साक्ष्य हो गया। क्या हो गया? हमारा साक्ष्य हो गया, इस घटना का साक्ष्य है, जो आग की होने की घटना जो है उसका साक्ष्य कौन है? धुआं है। धुआं को हमने देखा, इसीलिए हमने कह दिया कि पर्वत पर आग है, ओके। अगर धुआं ना दिखाई देता तो हमें ये अनुमान ना लगाते कि पर्वत पर आग है ना। तो साक्ष्य कौन बन गया हमारा? साक्ष्य हमारा धुआं बन गया। धुआं के आधार पर ही हमने ये कह दिया कि पर्वत पर आग है, ओके। तो यहाँ तक क्लियर हुआ कि पक्ष किसे कहते हैं, साध्य किसे कहते हैं और धुआं किसे कहते हैं? जिस पर आश्रय होता है, यानी कि जिस पर जो हमारा साध्य जो है वो जिस पर आश्रय होता है, यानी कि पर्वत जो है वो आश्रय स्थान है, ओके। वो आसरा दे रहा है, किसे दे रहा है? अग्नि को दे रहा है, आग को दे रहा है। तो वो क्या हो जाएगा? पर्वत हमारा पक्ष हो जाएगा, जबकि आग है वो क्या हो जाएगा? हमारा साध्य हो जाएगा। और जो हमारा साधन कौन बनेगा? साक्ष्य कौन बनेगा? तो साक्ष्य बनेगा धुआं। धुआं को देखकर हमने ये अनुमान लगाया है ना। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब देखिए पक्ष में जो लिंग के, यानी कि लिंग होता है जिसे साधन कहते हैं, मध्य पद कहते हैं, तो पक्ष में मध्य पद की उपस्थिति का ज्ञान कराता है हेतु। हेतु किसका ज्ञात कराता है हमें? यहाँ पर हेतु जो होता है, जो हमारा साधन है वो हमारा क्या है? हेतु है, ओके।
जो हमारा साधन है, जो हमारा साक्ष्य है, वो हमारा हेतु है। तो हेतु हमें क्या ज्ञात कराता है दोस्तों? हेतु हमें पक्ष के अंदर जो साध्य का होने का, यानी कि साध्य की उपस्थिति का हमें क्या कराता है? ज्ञान कराता है, यानी कि मध्य पद होने का हमें ज्ञान कराता है। कौन कराता है? हेतु कराता है। यानी कि पर्वत पर जो आग है, आग हमारा साध्य है और उसी साध्य की उपस्थिति का ज्ञात हमें कराता है हेतु। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों। अब देखिए, जब हेतु जो होता है ना, वो हेतु जब प्रदूषित हो जाता है, यानी कि हमने ये सेंटेंस बनाया था कि पर्वत पर आग है क्योंकि वहाँ पर क्या है? धुआं है। ये हमारा वास्तविक हेतु था। अब देखिए, इसी वास्तविक हेतु जो प्रदूषित हो जाता है, यानी कि हमारा वास्तविक हेतु जो है वो क्या हो जाता है? प्रदूषित हो जाता है या फिर आभासी हो जाता है। उसी से हम उसके कारण क्या होगा? हमारा जो अनुमान होगा वो भी क्या हो जाएगा दोस्तों? वो भी दूषित हो जाएगा। दूषित नहीं, यहाँ पर दूषित आएगा। ओके, दूषित हो जाएगा, यानी कि प्रदूषित हो जाएगा। ओके, तो यहाँ तक क्लियर? जो हेतु है हमारा, वो अगर प्रदूषित हो जाता है या फिर वो आभासी हो जाता है, तो उससे जो भी अनुमान हम लगाएंगे वो भी क्या हो जाएगा दोस्तों? वो भी दूषित हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि कहीं पर आपने धुआं देखा। अब देखिए, वो धुआं ना, बर्फ की पहाड़ पर अगर आपने कोई धुआं देखा, तो फिर बर्फ में उठने वाले धुएँ को देखकर अगर आप ये बता देंगे कि वहाँ पर बर्फ की पहाड़ी पर क्या है दोस्तों? आग है। तो देखिए, ये अनुमान तो गलत हो गया आपका कि बर्फ की पहाड़ी पर आग है, वो तो गलत हो गया ना। तो ये क्यों? क्योंकि आपने बर्फ से होने वाले धुएँ को देखा है और उस धुएँ को देखकर आपने ये अनुमान लगाया कि वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर आग होगा। जैसे कि मान लीजिए कि सर्द के मौसम में आपने देखा होगा कि जो हमारा एटमॉस्फियर होता है ना, वो कैसे धुआं सा हमें देखने को मिलता है। तो दूर से हम देखते हैं तो वहाँ पर हमें ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पर कई धुआं है। तो क्या उसी धुएँ को आप आग का धुआं कहोगे? नहीं कहोगे। अगर वहाँ पर उसी धुएँ को सर्द के मौसम में दिखने वाला एटमॉस्फियर वाला जो धुआं आप देख रहे हो, अगर उसे देख कर आप ये अनुमान लगाते हो कि वहाँ पर आग है, तो वो अनुमान आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका जो हेतु है वो भी क्या है? दूषित हो गया है। यानी कि आपका हेतु दूषित होने के कारण आपका जो हेतु में जो आपने आभास किया है, वो आभास गलत होने के कारण, आभास होने के कारण, आभास का मतलब क्या? गलत ही होता है ना। तो वो गलत है, इसी के कारण हमारा अनुमान भी क्या हो जाएगा? दूषित हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो उसी को हम कहते हैं हेतुवाभास। ओके, तो यहाँ पर हेतुवाभास की जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। चलिए अब देखते हैं वास्तविक हेतु जो होते हैं उनके थोड़े से लक्षण देख लीजिए। अगर वास्तविक हेतु के आपने लक्षण को जान लिया दोस्तों, तो फिर उसके जो भी प्रकार है उसे समझने में आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि वास्तविक हेतु के कौन से लक्षण होते हैं। पहला लक्षण है पक्षवृत्ति। पक्षवृत्ति का क्या मतलब होता है? कि पक्ष में हेतु का होना, यानी कि जो पक्ष हम रख रहे हैं उसमें क्या होना चाहिए? हेतु का होना चाहिए। यानी कि पर्वत पर धुएँ का देखना, यानी कि पर्वत पर हमें धुआं दिखना चाहिए। अगर पर्वत पर आपको धुआं नहीं दिखेगा, पर्वत, देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल लिखती हूँ, पर्वत पर आग है। ओके, आग है क्योंकि वहाँ क्या है दोस्तों? वहाँ धुआं है। ओके, धुआं है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या बताया गया है? पर्वत पर आग है क्योंकि वहाँ पर धुआं है। ओके, वहाँ पर क्या है दोस्तों? वहाँ पर धुआं है। ओके,
वहाँ पर धुआ है। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया, पक्ष वृत्ति में क्या होता है, पक्ष में हेतु का होना आवश्यक है। यहाँ पर हमारा पक्ष कौन सा है, पर्वत है, साध्य कौन सा है, आग है, और हेतु कौन सा है, हमारा धुआ है। अगर पर्वत पर धुआ ही नहीं दिखेगा तो फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, पर्वत पर अगर धुआं नहीं दिखता है और आप ये बता रहे हो कि पर्वत पर आग है तो वो अनुमान आपका गलत हो जाएगा, है ना। तो वो क्या हो जाएगा, हेतुवाभास हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि हेतु, वास्तविक हेतु किसे कहते हैं, ओके, दूषित हेतु की बात नहीं, दूषित हेतु को हम हेतुवाभास कहते हैं, लेकिन यहाँ पर वास्तविक हेतु की बात की गई। तो वास्तविक हेतु किसे कहते हैं कि जहाँ पर वास्तविक हेतु में पक्षवृत्ति होनी चाहिए। पक्षवृत्ति का मतलब है कि पक्ष में क्या होना चाहिए, हेतु का होना चाहिए, यानी कि पर्वत जो है वो हमारा पक्ष है और पक्ष में क्या होना चाहिए, हेतु होना चाहिए, यानी कि पर्वत पर धुआ होना चाहिए। पर्वत पर धुआ होगा तभी जाकर आप ये बता पाओगे कि पर्वत पर आग है, ओके। तो यहाँ पर पक्षवृत्ति होनी चाहिए, जहाँ पर पक्ष में क्या होना चाहिए, हेतु का होना आवश्यक। दूसरा है हमारा, दूसरा है सपक्ष वृत्ति। सपक्ष वृत्ति का मतलब क्या होगा कि सपक्ष में हेतु का होना। अब देखिए सपक्ष क्या होगा कि पक्ष के जैसा ही दूसरा पक्ष, पक्ष के जैसा ही क्या, दूसरा पक्ष, और उसी दूसरे पक्ष में क्या होना चाहिए, हेतु का होना चाहिए। यानी कि मान लीजिए रसोई घर में जो आग होती है, तो रसोई घर में आग का होना यानी कि क्या होता है, मतलब कि पर्वत पर आग जो होती है उसका मतलब यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर धुआं है, तो उस धुएँ का अनुमान आप कब लगाते हो कि कहीं पर आपने रसोई घर में कहीं पर आग को जलते हुए देखा होगा और वहाँ पर आपने क्या हो देखा होगा, धुएँ को देखा होगा, है ना। तो यहाँ पर पर्वत पर आग है वैसा अनुमान लगा रहे हो। अगर रसोई घर में, किचन में, रसोई घर में अगर धुआं उठता है तो आप यही अनुमान लगाओगे कि रसोई घर में क्या है, आग जल रही है, है ना, आग आग है, वहाँ पर आग है, ओके, यानी कि चूल्हा जल रहा है, ऐसा अनुमान लगा रहते हो। तो ये क्या हुआ, पक्ष के जैसा सपक्ष हो गया, उसके जैसा समान रूप से, ओके। तो समान रूप से जहाँ पर पक्ष के जगह सपक्ष में, यानी कि पक्ष की जैसा ही जो सपक्ष होता है उसमें भी हेतु का होना क्या है, अनिवार्य है। तो तभी हमारा जो हेतु होगा वो क्या हो जाएगा, वास्तविक हेतु होगा। तीसरा है विपक्ष वृत्ति। विपक्ष वृत्ति का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि विपक्ष में हेतु का ना होना, यानी कि विपक्ष में हेतु का ना होना का मतलब क्या होता है, जैसे कि तालाब में धुएँ का ना होना, ओके, तालाब में कभी भी धुआँ नहीं होता है, तो तालाब में धुएँ का ना होना यानी कि पक्ष के विरुद्ध में, यानी कि विपक्ष में क्या, हेतु का ना होना, उसे ही हम कहते हैं विपक्ष वृत्ति, ओके। यहाँ से कोई क्वेश्चन आता नहीं है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए अगर डिटेल्स में पढ़े होंगे तो यहाँ से अब अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आराम से आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अब चौथा आता है असत प्रतिपक्ष। असत, असत प्रतिपक्ष, तो अब देखिए असत प्रतिपक्ष में क्या होगा, हेतु का विरोधी अन्य हेतु का न होना, यानी कि हेतु का जो विरोधी होता है, यानी कि उसके जैसा, उसके विपरीत, हेतु के विपरीत अन्य हेतु का ना होना, उसे ही हम कहते हैं असत प्रतिपक्ष। जैसे कि मान लीजिए कि धुएँ की जगह उसका कोई विरोधी हेतु ना होना, ओके, धुएँ की जगह उसका कोई भी विरोधी हेतु ना होना, उसे ही हम कहते हैं असत प्रतिपक्ष। यानी कि वास्तविक हेतु कैसा होना चाहिए दोस्तों, तो वास्तविक हेतु पक्ष में भी होना चाहिए, सपक्ष में भी होना चाहिए, विपक्ष में नहीं होना चाहिए, और उसके जैसा विरोधी पक्ष भी नहीं होना चाहिए, यानी कि उसके जैसा विरोधी हेतु पर भी नहीं होना चाहिए। फिर अबाधित प्रतिपक्ष। अबाधित प्रतिपक्ष किसे कहते हैं, तो हेतु द्वारा जो स्थापित साध्य होता है ना,
उसका अन्य प्रमाण द्वारा खंडित न होना चाहिए, कि हमारे पास जो हेतु है उसके द्वारा जो जो साध्य हम स्थापित करते हैं, साध्य माने कि आग, आग को हम क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं। तो जब हम हेतु द्वारा किसी साध्य को हम क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं, तो उसे किसी और प्रमाण द्वारा हमें सिद्ध करके खंडित नहीं करना चाहिए। ओके, तो ये बात हो गई वास्तविक हेतु के लक्षण की। अब चलते हैं मेन जो हमारा टॉपिक है, जहाँ से हमारा क्वेश्चन हर बार एक क्वेश्चन बनता है, तो उसके बारे में हम देखते हैं हेतवाभास के प्रकार। अब देखिए हेतवाभास के 5 प्रकार देखने को मिल रहे हैं। तो पहला है सव्य विचार। सव्य विचार को हम कहते हैं इरेगुलर मिडल। तो आपको यहाँ पर इंग्लिश वर्ड भी याद रखने हैं, क्योंकि कभी कभी आपको अलग रूप से अगर हिंदी वर्ड उसमें यूज़ किया जाएगा, तो आपने अगर यहाँ पर मैंने जो हिंदी वर्ड्स यूज़ किए हैं, अगर उसके जो समानार्थी रूप के जो भी वर्ड्स होंगे वो उसमें यूज़ किए जाएंगे, तो यहाँ पर आपको दिक्कत होगी। इसीलिए आपको यहाँ पर इंग्लिश वर्जन भी याद रखना है, यानी कि यहाँ पर इंग्लिश वर्ड भी याद रखना है। ओके, चलिए सव्य विचार जिसे हम कहते हैं इरेगुलर मिडल। उसके बाद है विरुद्ध हेतवाभास। विरुद्ध हेतवाभास को क्या बोलते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी मिडल। कॉन्ट्राडिक्टरी मिडल आपने कॉन्ट्राडिक्टरी के बारे में पढ़ा था ना आपने, जब मैंने क्लासिकल स्क्वायर के बारे में आपको पढ़ाया था व्याघात, है ना, तो वही होता है कॉन्ट्राडिक्टरी। ओके, तो कॉन्ट्राडिक्टरी मिडल जिसे हम कहते हैं विरुद्ध। उसके बाद है सत प्रतिपक्ष। सत प्रतिपक्ष हेतवाभास को क्या बोलते हैं, इनफेरेंटली कॉन्ट्राडिक्टरी मिडल। ओके, कॉन्ट्राडिक्टेड मिडल, सॉरी फिर से बता दे रही हूँ, इनफेरेंटली कॉन्ट्राडिक्टेड मिडल। उसके बाद है असिद्ध। असिद्ध यानी कि जिसे हम सिद्ध नहीं कर पाते हैं, जिसे हम प्रूव नहीं कर पाते हैं, उसे ही हम कहते हैं असिद्ध। इसे इंग्लिश में बोला जाता है अनप्रूव्ड मिडल। ओके, उसके बाद है बाधित। बाधित हेतवाभास जिसे हम कहते हैं नॉन इन्फेरेंटियल कॉन्ट्राडिक्टेड मिडल। ओके, तो आपको ये पांचों के पांचों नाम आपको याद रखने हैं। चलिए इसके बारे में डिटेल्स में देखते हैं। अब आते हैं सव्य विचार हेतवाभास। सव्य विचार हेतवाभास को क्या बोलते हैं, इरेगुलर मिडल। अब देखिए इरेगुलर जो मिडल है उसमें क्या होता है, सव्य विचार का अगर संधि विच्छेद किया जाए दोस्तों, तो उसमें आपको दो वर्ड देखने को मिलेगा, सधन व्यभिचार। सधन क्या, व्यभिचार। अब देखिए सधन व्यभिचार, स का मतलब क्या होगा, सहित। स का मतलब होगा सहित, और व्यभिचार का मतलब क्या होगा, व्यभिचार का मतलब होगा नियम के विरुद्ध होना। यानी कि जो भी हेतु के जो भी लक्षण मैंने आपको आगे बताए उसके विरुद्ध अगर कोई है तो उसे हम कहते हैं सव्यभिचार, उसके विरुद्ध जाया जाता है यहाँ पर। ओके, तो चलिए देखते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो नियम के विरुद्ध हेतु का होना, जो हेतु है हमारा वो क्या होगा, वो नियम के विरुद्ध होगा, उसी को हम बोलते हैं सव्य विचार जिसे हम कहते हैं इरेगुलर मिडल। अनियत हेतु का हेतवाभास भी इसे कहा जाता है। इसे किसका हेतवाभास कहा जाता है, अनियत हेतु का हेतवाभास कहा जाता है। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है कि सव्य विचार हेतवाभास को कैसा हेतवाभास कहा जाता है, तो सव्य विचार हेतवाभास को यानी कि इरेगुलर मिडल को कहा जाता है अनियत हेतु का हेतवाभास। अब देखिए जब हेतु पक्ष और सपक्ष, मैंने आपको 3 बातें बताई थी ना, पक्ष सपक्ष और हेतु, तो यहाँ पर देखिए जो पक्ष होता है, सॉरी पक्ष सपक्ष और विपक्ष की बात मैंने अभी आपको लक्षण में बताई ना, तो उसमें देखिए जब हेतु जो होता है वो हमारा पक्ष में होना चाहिए, सपक्ष में भी होना चाहिए, यानी कि उसके जैसा दूसरा कोई पक्ष हो उसमें भी होना चाहिए, और विपक्ष में तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। विपक्ष में क्या नहीं होना चाहिए, तब हमारा ये क्या होता है, वास्तविक हेतु होता है। लेकिन इन नियमों का यानी कि पक्ष सपक्ष और विपक्ष, इन तीनों में अगर इन तीनों नियमों का जहाँ पर उल्लंघन होता है उसी प्रकार का हेतवाभास सव्य विचार हेतवाभास कहलाता है। ओके, चलिए एग्जाम्पल के थ्रू पर हम आगे देखेंगे।
सबसे पहले देखते हैं इनका जो सव्य विचार जो हेतवाभास है ना, उसके तीन प्रकार हैं। ओके, इसके कितने प्रकार हैं दोस्तों? इसके तीन प्रकार हैं। तो सबसे पहला है साधारण सव्य विचार, फिर उसके बाद है असाधारण सव्य विचार, और तीसरा है अनुपसंहारी सव्य विचार। अब देखिए, साधारण सव्य विचार क्या कहता है? हेतु अतिव्याप्त होता है। हेतु क्या होता है? यहाँ पर हेतु हमारा अतिव्याप्त होता है, यानी कि वो क्या होता है, पक्ष में भी होगा, विपक्ष में भी होगा और सपक्ष में भी होगा। अब देखिए, पक्ष में तो होता है, पक्ष में तो होता है, सपक्ष में भी होता है, लेकिन हमें क्या होना चाहिए, वास्तविक हेतु जो होगा वो विपक्ष में, सॉरी यहाँ पर विपक्ष, विपक्ष में नहीं होना चाहिए, है ना, विपक्ष में नहीं होना चाहिए, तभी वो वास्तविक हेतु है। लेकिन अवास्तविक हेतु कब बनेगा? जब इन तीनों नियमों में से किसी एक का उल्लंघन होगा, है ना, या तो फिर तीनों में उल्लंघन होगा या तो फिर किसी दो में उल्लंघन होगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है, साधारण सव्य विचार में क्या होगा, पक्ष में तो होगा हेतु हमारा, सपक्ष में भी होगा, लेकिन विपक्ष में नहीं होना चाहिए, वहाँ पर भी वो होगा। इसी को हम कहते हैं अतिव्याप्त, सॉरी इसी को हम अतिव्याप्त कहते हैं, यानी कि इसी को हम साधारण सव्य विचार कहते हैं। अब देखिए, साधारण सव्य विचार का एक एग्जाम्पल ले लेते दोस्तों। यहाँ पर देख लीजिए, पर्वत पर आग है क्योंकि वह ज्ञान का विषय है। अब देखिए, पर्वत हमारा क्या है दोस्तों? पर्वत हमारा पक्ष है, है ना। आग हमारा क्या है? आग हमारा साध्य है, और विषय ज्ञान का विषय जो है वो हमारा क्या है? साधन है, यानी कि हमारा हेतु है। साधन का मतलब क्या होता है? हेतु होता है, जो हमारा साक्ष्य होता है। क्या होता है? साक्ष्य होता है। अब देखिए, हेतु क्या बता रहा है? हेतु बता रहा है पर्वत पर आग है, उसने अनुमान लगाया। अब देखिए, हेतु के आधार पर अगर हम अनुमान लगाएंगे पर्वत पर आग है, तो हमारा हेतु क्या बता रहा है? ज्ञान का विषय। तो ज्ञान का विषय, ज्ञान का विषय छोटा सा थोड़ी ना होता है, वो तो बड़ा होता है, बृहद होता है, अतिव्याप्त होता है। अतिव्याप्त का मतलब क्या होता है दोस्तों? कि बृहद होना, विस्तृत होना, है ना। तो यहाँ पर ज्ञान का विषय तो हमारा विस्तृत होने वाला है ना, छोटा सा थोड़ी ना होने वाला है। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारा जो पक्ष है, यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, जहाँ पर हमारा जो पक्ष है और जो सपक्ष है, वो दोनों तो है ही हमारा। पर्वत पर भी आग हो सकती है, रसोई घर में भी आग हो सकती है, तो पक्ष और सपक्ष तो दोनों हो गए हमारे, है ना। लेकिन विपक्ष कैसा हो गया हमारा? ये जो होता है ज्ञान का जो विषय है, वो हमारा क्या हो गया? विपक्ष में हमारा हेतु जो है वो क्या हो जाता है दोस्तों? वो हो जाता है बृहद हो जाता है। तो उसी को हम कहते हैं साधारण व्यभिचार। ओके, यहाँ पर क्लियर हुआ कि यहाँ पर क्या होता है, विपक्ष का क्या होता है, उल्लंघन किया गया है, यानी कि विपक्ष नहीं होना चाहिए था, वहाँ पर विपक्ष का हो गया है, यानी कि विपक्ष है। ओके, तो ज्ञान का विषय जो है हमारा क्या है? बृहद हो गया। इसी के कारण क्या होता है, हमारा जो हितवाभास है वो साधारण हितवाभास, साधारण सव्य विचार हितवाभास यहाँ पर बनता है। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं, दूसरा देखते हैं। दूसरा बताया मैंने आपको साधारण व्यभिचार, अब सॉरी यहाँ पर मैंने आपको साधारण व्यभिचार बताया, अब आते हैं असाधारण व्यभिचार की ओर। अब देखिए, असाधारण व्यभिचार किसे कहेंगे? जहाँ पर हेतु जो होगा वो संकीर्ण होगा। क्या होगा? संकीर्ण होगा। अब देखिए, संकीर्ण होगा किस तरीके से होगा, चलिए देखते हैं। यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, सप्तनित्य है क्योंकि वह क्या है? श्राव्य है। यहाँ पर क्या बताया गया है दोस्तों? शब्द क्या है? नित्य है, और वह क्या है? श्राव्य है। नित्य का मतलब पक्ष हमारा है नित्य, और सॉरी यहाँ पर नित्य है हमारा साध्य है। ओके, और शब्द जो है हमारा क्या है? पक्ष है, है ना, और श्राव्य जो है वो हमारा क्या है? साधन है, जिसे हम हेतु कहते हैं। ओके, यानी कि साक्ष्य है हमारा। ओके, तो इस अनुमान का जो साक्ष्य है वो हमारा हेतु है। तो श्रव्य होने के कारण क्या बताया गया है? शब्द नित्य है, ये बात यहाँ पर बताई गई है। अब देखिए, अति संकीर्ण से क्या होता है कि हमारा जो हेतु होता है वो क्या हो जाता है? वो
सॉरी वो क्या हो जाता है, वो हमारा प्रदूषित हो जाता है। अब देखिए संकीर्ण का यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर पक्ष तो होगा ही, पक्ष तो है ही, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, सब पक्ष में हेतु नहीं होगा। पक्ष में तो वैसे ही हेतु है शब्द में, है ना, लेकिन सब पक्ष में हेतु नहीं होगा। और फिर ये दोनों बात हमने आपको बता दी, विपक्ष में भी ये नहीं होगा, विपक्ष में भी वो नहीं होगा। तो यहाँ पर किसका उल्लंघन हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है सब पक्ष का उल्लंघन हो रहा है। क्यों हो रहा है, तो देखिए यहाँ पर क्या बताया गया, शब्द क्या है, श्राव्य है। और जो चीज़ शब्द जो है वो हमें श्राव्य होता है ना, यानी कि सुश्राव्य का मतलब क्या होता है, सुनाई देना। तो शब्द ही तो सुनाई देते हैं, और तो कुछ सुनाई नहीं देता। शब्द शब्द का मतलब क्या होता है दोस्तों, ध्वनि होती है। अगर आपने मैंने एक कम्युनिकेशन में आपको पढ़ाया हुआ था, है ना, तो शब्द जो होता है वो हमारी ध्वनि होती है। तो ध्वनि क्या है, ध्वनि श्रव्य है, सुनाई देती है, है ना। और जो शब्द है वो हमारा पक्ष में है, लेकिन शब्द के जैसा सपक्ष हमें नहीं मिल सकता। यानी कि जो शब्द जो ध्वनि हमें सुनाई देती है, उसके अलावा प्रकृति की कोई भी चीज़ हमें सुनाई देती नहीं है। यानी कि ध्वनि एक ऐसी चीज़ है जो हमें सुनाई देती है, बाकी कुछ भी हमें सुनाई देता नहीं है। जैसे फूल को देखते तो क्या फूल सुनाई देते हैं हमें, बिल्कुल भी नहीं सुनाई देते, है ना। आवाज़ सुनाई देती, शब्द सुनाई देते, वो सब किस में आएंगे, ध्वनि में आएंगे। यानी कि ध्वनि हमें सुनाई देती है दोस्तों। तो जो हमें सुनाई देता है, जो पक्ष में है, लेकिन उसका कोई भी सपक्ष नहीं है, यानी कि उसका कोई उसके जैसा कोई दूसरा पक्ष नहीं है, यानी कि शब्द के जैसा कोई दूसरा पक्ष वहाँ पर नहीं होगा। शब्द यानी कि ध्वनि, ध्वनि के जैसा कोई दूसरा पक्ष पर नहीं होगा। इसी के कारण यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पक्ष तो है ही, लेकिन यहाँ पर सपक्ष नहीं है। जहाँ पर पक्ष होगा और सपक्ष नहीं होगा, और विपक्ष तो वैसे भी नहीं होगा, तो उसी को हम कहते हैं असाधारण सव्य विचार। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ, असाधारण सव्य विचार कि जहाँ पर क्या होगा, पक्ष होगा लेकिन सपक्ष नहीं होगा और विपक्ष भी नहीं होगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद आते हैं अनुपसंहारी सव्य विचार। अनुपसंहारी सव्य विचार किसे कहेंगे, जहाँ पर पक्ष जो होगा ना हमारा, वो क्या होगा, सर्वग्रासी होगा, यानी कि सभी को दिखाई देगा, यानी कि सभी को वहाँ पर दर्शाता होगा, सार्वभौमिक होगा। जो पक्ष होगा वो क्या होगा, सार्वभौमिक होगा। ओके, चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, सभी वस्तुएं नश्वर है, यानी कि सभी दुनिया की जितनी भी वस्तुएं हैं वो क्या है, नश्वर है। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि वह क्या है, उत्पन्न होती है। अब देखिए यहाँ पर पक्ष तो है ही आपके पास, वस्तुएं, और यहाँ पर नश्वर जो है वो आपका साध्य है, और यहाँ पर आपका साधन क्या है, उत्पन्न होती है, है ना। अब देखिए हेतु क्या बता रहा है कि सभी वस्तुएं नश्वर है, क्योंकि वो क्या है, उत्पन्न होती है। अब देखिए वस्तुएं सभी वस्तुएं हैं, तो सभी वस्तुओं का कोई भी विपक्ष ने सॉरी उसका कोई सपक्ष हो ही सकता है ना। सभी वस्तु में तो सभी चीज़ें आ गई, तो उसका कोई सपक्ष यानी कि उसका जो समानार्थी शब्द बनने चाहिए वो तो नहीं बनेगा ना, यानी कि उसके जैसा दूसरा पक्ष तो होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर पक्ष तो वैसे भी है, ओके, यहाँ पर क्या है, पक्ष तो है ही, और उत्पन्न होता है, जो उत्पन्न होता है उसका नष्ट होना आवश्यक है। ओके, यानी कि जो उत्पन्न होता है वो उसका क्या होता है, उसका विलोपन होना भी जरूरी है। जो उत्पन्न होगा वो खत्म भी होगा, नश्वर का मतलब भी यही है कि वो खत्म होता है, तो उत्पन्न होता है वो खत्म होता है। तो यहाँ पर ये बात तो सही है, है ना। तो हमारा विपक्ष जो है वो विपक्ष यहाँ पर नहीं है, और यहाँ पर हमारा पक्ष तो है ही, लेकिन सपक्ष है वो नहीं है यहाँ पर। इसी के कारण यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अनुपसंहारी सव्य विचार होता है। लेकिन अनुपसंहारी सव्य विचार में आपको क्या बात याद रखनी है कि सभी यानी कि हमारा जो पक्ष होगा वो किसे दर्शाएगा, सभी को दर्शाएगा, है ना। असाधारण में सभी को नहीं दर्शाता है,
असाधारण में सभी को नहीं दर्शाता, लेकिन इस अनुपसंहारी में क्या होगा, सभी को दर्शाएगा। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हुआ आपका। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आते हैं दोस्तों विरुद्ध हेतुवाभास, जिसे हम कहते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी मिडल। अब देखिए कॉन्ट्राडिक्टरी को याद कीजिए, जो मैंने आपको क्लासिक जो स्क्वायर थे वो मैंने आपको समझाए थे, तो उसे याद कीजिए। तो वहाँ पर मैंने क्या बताया था, कॉन्ट्राडिक्टरी को हम व्याघात कहते हैं, और उसे क्या होता है, दोनों ना तो एक साथ सत्य हो सकते हैं और दोनों ना तो एक साथ क्या असत्य हो सकते, यानी कि एक सत्य होगा तो दूसरा क्या होगा असत्य होगा, और एक असत्य होगा तो दूसरा सत्य होगा, यानी कि दोनों एक साथ कभी भी सत्य नहीं हो सकते और ना ही दोनों एक साथ कभी भी असत्य हो सकते। ओके, उसे कॉन्ट्राडिक्टरी कहते हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे के विरोधी होंगे, ओपोजिट होंगे, है ना, एक दाई ओर चलेगा तो दूसरा बाई ओर चलेगा, ये बात यहाँ पर है। तो चलिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि हेतु द्वारा साध्य के खंडन के कारण निष्कर्ष में सृजित हेतुवाभास को विरुद्ध हेतुवाभास कहते हैं। देखिए यहाँ से ही क्वेश्चन आया हुआ था कि विरुद्ध हेतुवाभास किसे कहते हैं, तो हेतु द्वारा साध्य का जो खंडन होता है ना, यहाँ पर देखिए जैसे कि शब्द नित्य है क्योंकि वह क्या है, उत्पन्न है। अब देखिए शब्द क्या है हमारा, शब्द हमारा पक्ष है ना, नित्य हमारा क्या है दोस्तों, नित्य हमारा साध्य है, और उत्पन्न, उत्पन्न क्या है हमारा, हेतु है। अब देखिए यहाँ पर समझिए, यहाँ पर यही परिभाषा क्या कहना चाहती, हेतु द्वारा, ये हेतु है ना, उसके द्वारा क्या होता है, साध्य का खंडन होता है, ये साध्य जो है ना उसका खंडन हो जाता है, और उसी के कारण क्या होता है, निष्कर्ष में हेतुवाभास का सृजन होता है, यानी कि उसका हेतुवाभास वहाँ पर पैदा होता है, उत्पन्न हो जाता है वहाँ पर। ओके, तो हेतु के का द्वारा साध्य के खंडन के कारण, साध्य में खंडन उत्पन्न होता है, उसी के कारण हेतुवाभास यहाँ पर निष्कर्ष में खड़ा होता है। चले कैसे एग्जाम्पल के थ्रू आगे समझते हैं, पहले ये समझ लेते हैं, जब अनुमान की प्रक्रिया में हेतु पक्ष में साध्य को सिद्ध न करके, हेतु जो होगा वो क्या करेगा, ये साध्य जो होता है ना उसे सिद्ध कौन करता है, हेतु करता है। तो अनुमान की जो प्रक्रिया होती है उसमें हेतु जो होता है वो साध्य को सिद्ध न करके उसकी विरोधी सत्ता को अगर सिद्ध करता है, उसकी क्या विरोधी सत्ता को अगर सिद्ध करता है, तो उसी को हम विरोध हेतुवाभास कहते हैं। यानी कि देखिए यहाँ पर समझिए, मैंने आगे आपको क्या बताया, उत्पन्न जो होगा वो खत्म होगा, उत्पन्न जो होगा क्या होगा, खत्म होगा। ओके, तो यहाँ पर उत्पन्न हमारा हेतु है। अब देखिए वो साध्य का खंडन किस तरीके से करता है, तो साध्य में क्या बताया गया, नित्य, तो नित्य का मतलब क्या होता है, कंटिन्यू आजीवन, लाइफ टाइम रहने वाला है ना, आजीवन रहने वाला। तो देखिए आजीवन अगर जो उत्पन्न होता है वो अगर खत्म हो जाता है, इंसान है उसका जन्म होता है तो उसका मृत्यु भी निश्चित है, तो इंसान का जीवन नित्य कैसे हो सकता है, तो नहीं हो सकता है ना। तो उसी तरीके से अगर शब्द जो है वो उत्पन्न होते हैं तो वो नित्य कैसे होंगे, वो तो उत्पन्न हुए ना, और जो उत्पन्न होते हैं वो खत्म भी होते हैं, तो उसी का यहाँ पर खंडन किया गया है। यानी कि वैसे यहाँ पर क्या होना चाहिए था, शब्द अनित्य है क्योंकि वह उत्पन्न है, ये वास्तविक हेतु होता था। यहाँ पर जो वास्तविक हेतु के आधार पर जो सेंटेंस तर्क वाक्य बन रहा था वो कैसा बनना चाहिए था, कि शब्द अनित्य है क्योंकि वह क्या है, उत्पन्न है, यानी कि वो उत्पन्न होता है इसी के कारण वो अनित्य है, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जो हेतु है वो दूसरे हेतु यानी कि विरोधी हेतु का यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर
जो हेतु है उसे पक्ष में साध्य को सिद्ध नहीं करता है, लेकिन उसके विरोधी ये नित्य जो है वो उसके अनित्य का विरोधी है, और उसी विरोधी सत्ता को यहाँ पर क्या करता है, सिद्ध कर रहा है। इसीलिए इसे कहते हैं विरुद्ध हेतुवा भास। ओके, समझ में आ गया। फिर से बता देती हूँ, यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल ले लेते दोस्तों। यहाँ पर ध्वनि स्थायी है, ध्वनि हमारा क्या है, पक्ष है। स्थाई हमारा क्या है, स्थाई हमारा साध्य है। और श्रव्य हमारा क्या है दोस्तों, श्रव्य हमारा हेतु है। ओके, यानी कि साधन है, साक्ष्य है, जिसके कारण हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ध्वनि स्थाई है। ओके, तो चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या बताए, ध्वनि स्थाई है क्योंकि वह क्या है, श्रव्य है। अब आप ये बताइए कि ध्वनि जो है वो हमें सुनाई कैसे देगी, ध्वनि हमें कैसे सुनाई देगी। अगर वो स्थायी हो जाती है तो वो हमें सुनाई नहीं देगी। जो हमारा हवा का झोंका होता है ना, वो हवा झोंके के रूप में आती है तब जाके हम सुन पाते हैं कि ये हवा बहुत ज़्यादा तेज चल रही है। लेकिन हवा अगर नहीं चल रही है, यानी कि स्थिर है, स्थायी है, तो हमें उसकी आवाज़ का एहसास नहीं होगा, उसकी ध्वनि का एहसास नहीं होगा। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ, यहाँ पर जो स्थाई है वो हमारा विरुद्ध विरोधी सत्ता है। ओके, जो साध्य हमारा है वो क्या है, विरोधी साध्य है। यानी कि यहाँ पर क्या होना चाहिए था, ध्वनि अस्थाई है क्योंकि वह क्या है, श्रव्य है, यानी कि हमें सुनाई देती है, क्योंकि वो अस्थाई है, यानी कि वो हवा का जिस तरीके से झोंका आता है, जिस तरीके से अगर मान लीजिए फैन है, वो फैन ऐसे ही बंद पड़ा होगा तो उसकी आवाज़ नहीं आएगी हमें, लेकिन जैसे ही फैन को हम ऑन करते हैं तो उसकी आवाज़ हमारी कानों तक आती है ना। तो ये क्या हुआ, अगर जो ध्वनि है वो स्थायी होगी तो वो कभी भी हमें सुनाई नहीं देगी, है ना। तो यहाँ पर हेतु का आभास हो जाता है कि ध्वनि स्थायी है क्योंकि वह श्रव्य है, यहाँ पर ये आभास हुआ है। अगर वास्तविक हेतु क्या होता, वास्तविक हेतु है ध्वनि अस्थायी है इसीलिए हमें सुनाई देती है ना। तो यहाँ पर हेतु का आभास हो रहा है कि ध्वनि स्थायी है क्योंकि वह श्रव्य है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या कहा गया कि अनुमान हमने जो लगाया ध्वनि स्थायी है, वो अनुमान की प्रक्रिया में जो हमारा हेतु है वो पक्ष में क्या करता है, साध्य को सिद्ध नहीं करता है, लेकिन उसकी विरोधी बात यानी कि स्थायी अस्थायी की जगह वो स्थायी को यहाँ पर सिद्ध कर रहा है। उसी के कारण यहाँ पर हम कहते हैं विरुद्ध हेतुवाभास। तो आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि कॉन्ट्राडिक्टरी मिडल किसे कहते हैं। ओके, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। अब आते हैं सत प्रतिपक्ष हेतुवाभास। सत प्रतिपक्ष हेतुवाभास को क्या कहते हैं, इन्फेरेंटियल कॉन्ट्राडिक्टेड मिडल। ओके, इन्फेरेंटियल कॉन्ट्राडिक्टेड मिडल किसे कहेंगे, तो अनुमान की प्रक्रिया में जब हेतु का विरोधी अन्य हेतु, हेतु की बात की गई है दोस्तों यहाँ पर, हेतु का विरोधी अन्य हेतु भी होता है, उसे हम सत प्रतिपक्ष हेतुवाभास कहते हैं, यानी कि इन्फेरेंटियल कॉन्ट्राडिक्टरी मिडल कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए आगे आपने क्या देखा था दोस्तों, यहाँ पर आपको साध्य को आपने क्या किया था, उसके विरोधी साध्य को यहाँ पर रखा था, लेकिन यहाँ पर सत प्रतिपक्ष में हम क्या करेंगे, यहाँ पर सत प्रतिपक्ष में हेतु के विरोधी अन्य हेतु को यहाँ पर रखेंगे। ओके, तो देखिए एक हेतु दूसरे हेतु का विरोधाभासी होता है, तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। विरोधाभासी, अगर विरुद्ध हेतुवाभास की बात की जाती है, कॉन्ट्राडिक्टरी मिडल की बात की जाती है, तो वहाँ पर क्या होगा, साध्य विरोध होगा, एक साध्य दूसरे साध्य का क्या होगा, विरोध होगा, है ना। लेकिन यहाँ पर सत प्रतिपक्ष हेतुवाभास जिसे हम कहते हैं इन्फेरेंटियल कॉन्ट्राडिक्टेड मिडल, तो इसमें क्या होगा, हेतु एक हेतु का दूसरा विरोधी हेतु यहाँ पर रखा जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि सत प्रतिपक्ष हेतुवाभास किसे कहते हैं, तो एक हेतु दूसरे हेतु का क्या होगा, विरोधाभासी होगा। तो देखिए सप्त नित्य है क्योंकि वह अदृश्य है।
ओके देखिए शब्द क्या है, नित्य है क्योंकि वह अदृश्य है, यानी कि इस तरह शब्द जो होते हैं वो हमें दिखाई नहीं देते, इसीलिए वो क्या होते हैं, वो नित्य होते हैं। दूसरा उसी के आधार पर दूसरा एक सेंटेंस बनाया गया है, वाक्य बनाया गया है। दूसरा तर्क वाक्य अनुमान वाक्य क्या है, शब्द अनित्य है। ओके शब्द क्या है, अनित्य है क्योंकि वह क्या है, उत्पन्न होता है। ओके तो यहाँ पर देखिए ये जो नित्य था, यहाँ पर जो हेतु है ना, यहाँ पर जो एक हेतु था अदृश्य, तो उसका ये विरोधी यहाँ पर सहसित होता है। जो हेतु होता है एक हेतु दूसरे हेतु का यहाँ पर क्या हो जाता है, विरोधी बन जाता है। यहाँ पर उत्पन्न है इसीलिए नित्य है, लेकिन उसका यहाँ पर विरोधी बन गया कि अदृश्य है शब्द, इसीलिए नित्य हो गए है शब्द। तो यहाँ पर हमारा विरोधाभास हो जाता है। तो यहाँ पर विरोधाभास क्यों हुआ इन दोनों के बीच में, तो इसी हेतु के कारण, यानी कि एक हेतु जो होता है वो दूसरे हेतु का क्या हो जाता है, विरोधी हो जाता है। अगर यहाँ पर यह दिया गया होता कि शब्द नित्य है क्योंकि वह उत्पन्न होते हैं, तो यहाँ पर क्या होता, तो यहाँ पर आपका साध्य में दोनों साध्य में विरोध उत्पन्न होता। तो साध्य में जब विरोध उत्पन्न होता है तो विरुद्ध हेतुभास बन जाता है। लेकिन यहाँ पर इन दोनों के विरुद्ध होने के कारण यहाँ पर साध्य हमारा सही हो जाता है, सिद्ध पुरवार होता है। तो उसी के कारण हमारा ये सत प्रतिपक्ष हेतुभास बनता है, यानी कि एक हेतु दूसरे हेतु का क्या हो जाता है, विरोधाभासी हो जाता है। इसी के कारण ये क्या हो जाता है, हमारा इन्फेरेंटियल कॉन्ट्राडिक्टेड मिडल बन जाता है। ओके चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं असिद्ध हेतुभास। अब देखिए असिद्ध हेतुभास किसे कहेंगे, जिसे हम कहते हैं अनप्रूव्ड मिडल। अनप्रूव्ड मिडल किसे कहेंगे, तो जिसे हम प्रूव नहीं कर सकते, जिसे हम प्रूव नहीं कर सकते यानी कि सिद्ध नहीं कर सकते, उसी को हम अनप्रूव्ड यानी कि असिद्ध हेतुभास कहते हैं। तो चलिए बहुत ही सिंपल से वे में समझते हैं कि अनुमान की वह प्रक्रिया जिसमें हेतु स्वयं असिद्ध हो, यानी कि जो हेतु होता है ना वो खुद ही असिद्ध हो जाता है, यानी कि उसे ही प्रूव नहीं कर सकते। जो कारण होता है, हेतु हमारा कारण है, वो ही सिद्ध नहीं होता है, तो उसी को हम कहते हैं असिद्ध हेतुभास। जैसे कि वंद्या पुत्र सुंदर है क्योंकि वह मानव है। अब देखिए ये वंद्या पुत्र है वो हमारा पक्ष है, सुंदर हमारा क्या होगा, सुंदर हमारा साध्य है, और मानव जो है वो हमारा क्या है, हेतु है यानी कि साक्ष्य है। अब देखिए ये मानव के आधार पर अगर हम ये कहते हैं कि वंद्या पुत्र क्या है, सुंदर है, तो कैसे होगा, यहाँ पर हमारा हेतु ही जो असिद्ध हो जाता है। कैसे होता है चलिए समझते हैं। वंद्या पुत्र का मतलब क्या होगा, जो वांझ महिला होती है ना उसका पुत्र। अब देखिए सिंपल सी बात है ना कि वांझी महिला होती है उसका पुत्र कैसे होगा, अगर उसका पुत्र होगा तो वो वांझ नहीं कहलाएगी, यानी कि वो वांझ महिला का जो पुत्र होता है उसकी यहाँ पर बात की जाए तो वांझ महिला का तो कोई पुत्र ही नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारा पक्ष भी गलत हो जाता है, किसके कारण, हेतु के कारण, हमारा हेतु ही गलत है। ओके तो यहाँ पर वंद्या पुत्र होगा ही नहीं तो वो सुंदर कैसे होगा, है ना, तो वो मानव भी कैसे होगा। वंद्या का पुत्र, वंद्या जो वांझ महिला है उसका पुत्र होगा तो वो मानव होगा ना। तो यहाँ पर जो मानव हमारा हेतु जो है वो ही हमारा क्या हो जाता है, खुद में ही असिद्ध हो जाता है, अनप्रूव्ड हो जाता है। इसी के कारण क्या हो जाता है, असिद्ध हेतुभास खड़ा हो जाता है। तो उसी को हम कहते हैं असिद्ध हेतुभास या तो फिर अनप्रूव्ड मिडल कहा जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन से हेतुभास को हम प्रमाणित नहीं कर सकते हैं, या तो फिर असिद्ध हेतुभास को निम्नलिखित में से असिद्ध हेतुभास में
कौन निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ओके, तो सिद्ध हेत्वाभास के रिलेटेड निम्न में से आपको चार ऑप्शन दिए होंगे और आपको वहाँ पर एक ऑप्शन ये भी दिया होगा अप्रमाणित, तो आपको उसे टिक लगाना है, जिसे हम कहते हैं अप्रमाणित को हम क्या कहते हैं, अनप्रूव्ड कहते हैं। तो असिद्ध का मतलब भी क्या होगा, अनप्रूव्ड होगा, असिद्ध यानी कि जो सिद्ध नहीं हो सकता। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। जो हमारा हेतु जो होता है, जो हमारा मध्य पद होता है, वो सिद्ध ही नहीं हो सकता है। वो सिद्ध हो तो आगे कुछ काम चलेगा ना, लेकिन वो सिद्ध ही नहीं हो पाता है, तो उसी को हम कहते हैं असिद्ध हेतुवाभास। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं बाधित हेतुवाभास। बाधित हेतुवाभास को किसे क्या कहेंगे, नॉन इन्फेरेंटियल कॉन्ट्राडिक्टेड मिडल। ओके, तो देखिए नॉन इन्फेरेंटियल कॉन्ट्राडिक्टेड मिडल में क्या देखेंगे दोस्तों, कि जहाँ पर हेतु द्वारा सिद्ध साध्य का खंडन अनुमान से इतर किसी अन्य प्रबलतर प्रमाण से हो जाए, तो उसे बाधित हेतुवाभास कहते हैं। देखिए यहाँ पर बाधित हेतुवाभास की क्या परिभाषा है, कि हमारा जो हेतु है, एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि आग शीतल है क्योंकि वह क्या है, द्रव्य है। आग हमारा क्या हो गया, पक्ष हो गया। शीतल हमारा क्या हो गया, साध्य हो गया। और द्रव्य हमारा क्या हो गया, हेतु हो गया। अब देखिए हेतु द्वारा जो सिद्ध किया जा रहा है, जो साध्य हमारा सिद्ध किया जा रहा है, कौन सा, तो शीतल। ओके, तो उसका क्या हो गया है, यहाँ पर खंडन हो गया है। और उसी खंडन अनुमान से इतर यानी कि उससे ज़्यादा, अनुमान जो हमारा है उससे भी ज़्यादा प्रबल होता है, प्रबल प्रमाण से यहाँ पर सिद्ध किया जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, बाधित हेतुवाभास कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आग शीतल है, यहाँ पर हेतु हमारा द्रव्य है। अब देखिए द्रव्य जो है, हमारा हेतु है, उसके द्वारा जो साध्य सिद्ध किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, कि हमने मान लीजिए ये कहाँ आग शीतल है क्योंकि वह क्या है, द्रव्य है। तो देखिए कभी भी आग जो होगी वो शीतल होगी कभी, बिल्कुल भी नहीं होगी, है ना। तो वो क्या होगी, वो हमारा साध्य का क्या हो जाता है, हमारा साध्य का वहाँ पर खंडन हो रहा है। और उसी खंडन के किसके कारण हो रहा है, कि शीतल जो है वो हमारे अनुमान से ज़्यादा प्रबल प्रमाण है। ओके, तो उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं दोस्तों, उसी को हम बाधित हेतुवाभास यानी कि नॉन इन्फेरेंटियल कॉन्ट्राडिक्टेड मिडल कहते हैं। जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे पहले देखते इसमें हेतु का विरोध किसी अनुमान द्वारा नहीं किया जाता, लेकिन अन्य प्रभाव द्वारा होता है। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर हम हेतु का विरोध तो करते हैं लेकिन किसी अनुमान के द्वारा नहीं करते हैं। यहाँ पर द्रव्य का हम विरोध तो करते हैं क्योंकि आग जो है वो द्रव्य है, तो ये गलत बात है, तो हम उसका विरोध क्यों करते हैं, उसका विरोध अनुमान के द्वारा नहीं करते, लेकिन अन्य प्रभाव क्या है, शीतल, तो शीतल के द्वारा उसका क्या होता है, विरोध होता है। क्योंकि शीतल, अगर आग शीतल है तो आग को आपको आग में प्रत्यक्ष रूप से आपको देखना पड़ेगा, तब जाकर आपको पता चलेगा ना कि आग शीतल है या गर्म है, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर प्रत्यक्ष आता है वहाँ पर अनुमान तो आता नहीं, जो प्रत्यक्ष दिखता है वो हमारा अनुमान कभी भी नहीं बन सकता, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारा जो हेतु है, उस हेतु का विरोध किसी अनुमान के द्वारा न होकर, लेकिन किसके द्वारा, अन्य प्रभाव के द्वारा होता है, यानी कि शीतल के द्वारा द्रव्य का क्या हुआ, उसका विरोध हुआ, इसी को हम कहते हैं बाधित हेतुवाभास। ध्वनि अस्थाई है क्योंकि वह श्रव्य है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, ध्वनि क्या है, अस्थाई है क्योंकि वह क्या है, श्रव्य, वो सुनाई देती है, इसीलिए वो क्या है, अस्थाई है। तो ओके, तो अस्थाई का हमें प्रभाव किस पर पड़ा, हेतु पर पड़ा। ओके, तो हेतु का जो श्रव्य यानी कि सुनाई देने का जो गुण है, उस पर उसका क्या हुआ, इफेक्ट हो रहा है क्योंकि वो अस्थाई है, इसी के कारण यहाँ पर बाधित हेतुवाभास बनता है। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पर क्लियर से समझ में आ गया होगा, जो भी पांच मैंने हेतुवाभास आपको पढ़ाए वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ओके, तो चलिए दोस्तों,
आज के लिए इतना। यहाँ पर कोई भी डाउट है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई ग्रुप की लिंक पर ज्वाइन होकर आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर कमेंट बॉक्स जो दिया हुआ है उस कमेंट बॉक्स में भी कमेंट डाल सकते हो। ओके चलिए दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।